So this is my personal experience for PCOS problem. It works like a magic for me. मुझे पता ही नहीं था कि मुझे PCOS की प्रॉब्लम चल रही है एंड जब मैंने अपना चेकअप कराया, मेरे हाथ में मेरी रिपोर्ट्स आई, तब जाके मुझे पता चला कि मुझे PCOS की प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपकी भी इरेगुलर पीरियड्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, एक्ने प्रॉन स्किन हो रही है, सडनली आपका वेट गेन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन फील हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सबका रीजन आपका PCOS हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द लेडीज को पता ही नहीं होता है, जिसमें से मैं खुद हूँ जिसको पता ही नहीं था कि ये PCOS की प्रॉब्लम मुझे चल रही थी। रेड कलर के बटन को प्रेस कर दो, इट्स टोटली फ्री, एंड हिट द बेल बटन जिससे आप नोटिफाई होते रहेंगे। डू नॉट स्किप द वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम दैट इज PCOS। यस, तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। अगर आप लोगों को नहीं पता या फिर आप जानना चाहते हो कि PCOS क्या होता है, तो इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे PCOS की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने इसे कैसे रिकवर किया, मुझे कैसे पता चला। पूरी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की आपके साथ शेयर करूंगी। देन मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट इज PCOS एंड हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, कि क्या होता है एक्चुअली ये PCOS। एंड देन हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेडीज को पता ही नहीं होता है कि उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण उनकी बॉडी में देखे जा रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं चलता कि ये इस चीज के होते हैं। देन हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कि कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इसे रिकवर कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे एंड मेक श्योर आप एक भी पॉइंट मिस ना कर पाए। उससे बात कर लेती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो मुझे इरेगुलर पीरियड्स थे, मेरे कभी भी रेगुलर रहे ही नहीं थे। इनकी फिक्स डेट होती है, फिक्स एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम बाद होना है, तो जिनका ये है दैट इज रेगुलर पीरियड, बट जिनके नहीं होते हैं रेगुलरली तो उनके होते हैं इरेगुलर पीरियड। तो सपोज 30 डेज का गैप किसी का होता है एंड मंथली 30 डेज का गैप उनका आता है, दैट मीन्स उनके रेगुलर पीरियड्स हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अपना बताती हूँ, कभी 35 डेज होता है, 40 डेज होता है, 45 डेज भी चला जाता था एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी कि यस फाइनली मैं बच गई, इतने टाइम बाद होगा। बट ये खुश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, इनसे इन फ्यूचर काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर आप इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इसके लिए आपको अभी से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड ट्रीटमेंट क्या है, बहुत ज्यादा इजी है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कभी भी हैप्पी हो जाते हैं, कभी भी अपसेट हो जाते हैं, कभी भी इरिटेटेड हो जाते हैं। तो मुझे लगा ये नॉर्मल होता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती ही होती है, बट आई वॉज रॉन्ग। तो मुझे किसी ने PCOS के बारे में बताया कि ये सारे जो सिम्टम्स है ना, ये PCOS के होते हैं, कि एक बार चेकअप कराने को कहा। मैंने अपना चेकअप भी कराया एंड जब मेरे हाथ में मेरी रिपोर्ट्स आई, मैं क्लियरली लिखा हुआ था कि PCOS की अर्ली स्टेज में मैं हूँ। जब मैंने देखा कि मैं अर्ली स्टेज में हूँ PCOS की, तो मैंने इसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन ली एंड वो टाइम था एंड एक अब का टाइम है जब मैंने इसे इम्प्रूव किया है। करते हैं नंबर 2, व्हाट इज PCOS और हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। PCOS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यस, तो इसका डायरेक्टली वुमेन्स की हॉर्मोन्स के लेवल पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वुमेन्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इरेगुलर एंड इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन फील होता है, लो फील होता है, सडनली आपका वेट गेन हो जाता है, हेयर लॉस होने लगता है, स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो जाता है, फेशियल हेयर की ग्रोथ होने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको PCOS में देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, इट मींस इसके लक्षण की, कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमें ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। एज आई ऑलरेडी सेड, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी ब्लॉटिंग होती है, आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, डिप्रेशन फील होता है, लो फील होता है, एक्ने प्रॉन स्किन हो जाती है, हेयर लॉस हो जाता है, ये सारे इसके सिम्टम्स में ही आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि मैंने इसे कैसे ट्रीट किया है। तो जैसे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, तो प्लस अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने इसे रिकवर कैसे किया है, कैसे इम्प्रूव किया है। मैंने यहाँ पर 3 स्टेप्स को फॉलो किया है जो मेरे लिए काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाया है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी लाएगा। फर्स्ट मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि आपको हेल्दी डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसमें आपका हेल्दी फूड आता है, आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें आपको डेली कंज्यूम करनी है। लेकिन आपको यहाँ पर करना है एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट। आपको 30 मिनट्स के लिए मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज को जरूर फॉलो करना। फाइनल यानी कि 3rd स्टेप की बारी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दिस प्रोडक्ट which is Oziva whole food plant based herbalanced PCOS। तो ये स्पेशली फॉर PCOS की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया है। मेरे लिए कैसे वर्क किया है, कितने टाइम में किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और पैकेजिंग, इसके प्राइसेस, इसके इंग्रेडिएंट, हाउ टू यूज, ये कैसे हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट ही हम बात करेंगे। डेली रूटीन में करना है एड Oziva को। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है विच इज वेरी वेरी नेचुरल। इसमें 9 PCOS के हर्ब्स मिलाए गए हैं एंड बैक साइड इसकी डिटेल्स इसमें मेंशन की गई है। इस प्रोडक्ट में क्लियरली लिखा है कि ये हमारी बॉडी में प्रोटीन एंड ओमेगा 3 को इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन एक्सरसाइज भी फॉलो करनी है एंड प्रोसेस्ड फूड को, जितने भी जंक फूड होते हैं, बाहर के फूड होते हैं, उनसे आपको डिस्टेंस बनाना है। इसका जो नेट वेट है वो है 250 ग्राम्स एंड इसका MRP है 899 रुपीज। ये आप कहाँ से बाय कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को जरूर मिलेगा। ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा इफेक्टफुल कैसे है, तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्टफुल रिजल्ट देता है हमारे PCOS की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट नंबर पे है रोडियोला रोशिया, जो हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है एंड एलिवेट करता है हमारे स्ट्रेस लेवल को। सेकेंड इज चेस्टबेरी, जो हमारे फेशियल हेयर की ग्रोथ को रिड्यूस करता है। एंड थर्ड इज एलोवेरा, जो हमारे एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बहुत असरदार होता है, प्लस हमारी स्किन को भी क्लेंस करता है। एंड नेक्स्ट इज रेड रेस्पेरी, जो हमारे यूट्रस को टोन करता है, प्लस हमारे साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज शिलाजीत, जो मिनरल से भरा हुआ होता है एंड हमारे यूट्रीन फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज अशोका, जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरा हुआ होता है एंड हमारे एस्ट्रोजन के लेवल को भी इम्प्रूव करता है, उसे बूस्ट करता है। एंड एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, जो मैंने ज्यादा यूज किया है, कितना जल्दी इसने मेरे लिए वर्क किया है। जैसे ही आप इसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है ना, वो रिड्यूस होती जाती है। आपकी साइकिल जो होती है वो 7-8 डेज आपकी लेट होती है, तो इसे कंज्यूम करने से आपको सिर्फ 3 डेज लेट होगी। एंड जैसे जैसे आप इसे कंटिन्यू करते रहोगे तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा एंड आपकी एक्ने प्रॉन स्किन बिल्कुल क्लेंस स्किन बन जाएगी। एक तरह से ये होल फूड है, प्रॉपर फूड है, जिसके अंदर 21 प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। सो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसे कैसे कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। सपोज अगर मैं 10 AM पे ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड 1 PM पे लंच करती हूँ, तो इसका जो बीच का जो गैप है, उस गैप में मैं इसे कंज्यूम करती हूँ। मींस मैं 11:30 या फिर 12 PM पे इसे कंज्यूम करती हूँ। कंज्यूम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर अपनी बॉटल में मैं निकाल लेती हूँ एंड एक ग्लास में मैं कुछ इतना सा अमाउंट इसका निकालती हूँ, प्लस इसके 2 स्कूप ही इसमें डालती हूँ। एंड में जो स्पून आता है, स्पैचुला आता है, टेबल स्पून आता है ना, वो इसके अंदर ही आपको मेजर करने के लिए दिया रहता है। तो 2 इसमें बिल्कुल लेवल करूंगी एंड इसमें मिक्स करूंगी और इसे डालूंगी और इसे अच्छे से स्टर भी कर लूंगी। एंड जब मैं इसे कंज्यूम करूंगी तो इसका टेस्ट एंड इसकी स्मेल अमेजिंग है। आपको बिल्कुल भी इरिटेटेड नहीं लगेगा कि जैसे आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, जड़ी बूटियां खा रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इसका टेस्ट भी अच्छा है एंड इसकी स्मेल भी अच्छी है। जड़ी बूटियों वाली चीजें होती है ना, उनको कंज्यूम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसका टेस्ट आपको थोड़ा खट्टा खट्टा आपको देखने को मिलेगा एंड इसकी स्मेल भी आपको ना फील हो जाएगी कि कुछ खट्टी खट्टी सी स्मेल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कड़वा सा टेस्ट है या फिर बिल्कुल बेकार सा टेस्ट है, बेकार नहीं है। प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा है, प्लस इसका टेस्ट एंड स्मेल भी अच्छा है, तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। एंड अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो इस प्रोडक्ट को जरूर जरूर बाय करना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को जरूर मिलेगा। मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप जब इस प्रोडक्ट को बाय कर लोगे तो रिव्यू में आपको कॉमेंट जरूर छोड़ के जाना है कि इस प्रोडक्ट ने आपको कितने दिन बाद अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर आप PCOS की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो जल्दी से आपको इस प्रोडक्ट को जरूर जरूर बाय कर लेना चाहिए, जरूर जरूर यूज करना चाहिए। इसके आपको अच्छे खासे रिजल्ट जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बनता है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। So yeah, till then, bye bye.